रिकॉर्डिंग, आई विल अपलोड दिस मीटिंग, आज ही अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, कैश 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सेंड यू द लिंक आल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव टू सेव दैट लिंक, वो प्लेलिस्ट लिंक आपको सेव करना है, एवरी सिंगल टाइम सारे लेक्चर्स उसी लिंक पे अपलोड होंगे, तो वो कॉमन लिंक रहेगा हर बार इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सो आप वो लिंक सेव करके रख सकते हो, किसी फैमिली मेंबर को आप सेंड कर दो वो लिंक एंड उसको सेव कर लो, और एल्स एवरी टाइम यू कैन कम एंड सर्च ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। सो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एवरी टाइम उसी लिंक पे जाते रहेंगे, आपके बैच के स्पेशली, ठीक है। यस, सो विल कम बैक, हमने स्टार्ट किया हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन, जस्ट बाय द नेम आई कैन मेक आउट, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना हुआ है हाइड्रोकार्बन, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब मैं एक स्टेप आगे चले जाता हूं, एंड लेट मी आइडेंटिफाई कि इस चैप्टर के कितने सेक्शंस होंगे, चैप्टर के कितने सेक्शंस होंगे स्टूडेंट्स, लेट अस आइडेंटिफाई चैप्टर के कितने सेक्शंस होंगे। सो ओवरऑल वी हैव फोर सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट सेक्शन वुड बी एल्केन, हम एल्केन की पढ़ाई करेंगे, एल्केन मतलब क्या, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मुझे दिखाओ उंगली से, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड्स रहेंगे कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, वेल डन अर्दी, चैट बॉक्स में नहीं, कैमरा पे जल्दी दिखाओ, कैमरा के सामने, हाउ मेनी बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन, हाउ मेनी बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, वेल डन, ठीक है मधुरा, सिंगल बॉन्ड, यस, वेरी गुड, शाबाश। व्हेन आई स्पीक अबाउट एल्कीन्स स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वुड बी एल्कीन, एल्कीन मतलब कितने बॉन्ड्स होंगे, एटलीस्ट डबल बॉन्ड, शाबाश आदित्य, चेंज हो गया, एल्कीन पे आ गए आदित्य, एल्कीन चेंज कर ले, एल्कीन करके ऐसे ही हो रही बैठा, ओके, एल्कीन हैज डबल बॉन्ड, अग्री कर रहे हैं सब लोग, है ना, सिंपल सी बात है, ओके। अल्काइन चेक कर लूं मैं आपके लिए, सो अल्काइन्स में आ जाता हूं स्टूडेंट्स, व्हाट इफ आई टेल यू कि थर्ड सेगमेंट इज अल्काइन, एंड इफ आई टेल यू अल्काइन यू हैव टू टेल मी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एवरीवन इन द कैमरा स्टूडेंट्स, एवरीवन इन द कैमरा, कितने बॉन्ड्स रहेंगे शिशांत, जल्दी से ऐसे दिखाना है तुझे कैमरा में, तीन उंगलियां दिखा दे फटाफट से मुझे कैमरा में, शिशांत, आकांक्षा, आदिनाथ चौहान, हाँ ऐसे दिखाना है, आपके नाम लूंगा तभी दिखाओगे क्या, वेरी गुड, शाबाश, गुड। सो अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलो, आपका आवाज म्यूट है, सो यू वोंट बी डिस्टर्बिंग मी, सबको बोलना है चिल्ला चिल्ला के, अल्केन अल्कीन अल्काइन, फटाफट अल्केन अल्कीन अल्काइन, मैं यहाँ पे उंगलियां दिखा रहा हूँ, पकड़ो, अकॉर्डिंगली मुझे नाम बोलोगे, ठीक है, अल्केन, जोर से, आई कैन सी यू पीपल इन द कैमरा, तो मुझे पता चल रहा है बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ठीक है, चलो फटाफट से अल्केन, वेल डन, शाबाश केडन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, दिव्या, दिस इज अल्कीन, करेक्ट, दिस इज अल्काइन, you have to name the hydrocarbon, okay, I'll show you the fingers, that means these are the number of bonds and you have to tell me the name accordingly, category, okay, so if I show like this you have to tell me alkyne, if I show like this you have to tell me alkane, kya bolna hai aapko, alkane, next, okay, just a second, Am I visible now? Hadi, can you see me now? Triple bond, double bond, and single bond. Okay, understood? I've logged in by two different accounts. सेम नाम से प्रितेश मिश्रा, यू कैन सर्च
आप कैमरा आपके स्क्रीन ऐसे स्वाइप करते जाओ, जहां भी मैं दिखूं उसको पिन कर दो, ठीक है? सो यू विल बी एबल टू सी मी, ओके स्टूडेंट्स? ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Okay. Now I think I'll be visible. Sir. Yes. बोलो. सर पुराने बैच का स्टूडेंट हो तो मेरा ऐसा हो गया, वापस से सब करने की जरूरत है? नोट की रहने दो। हाँ नहीं 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 अभी मतलब मैं नोट नहीं करना वापस से सब। हाँ I very well understand, तुझे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, ठीक है? नोट डाउन मत कर, ओके विशाल? ओके सर, ठीक है, चलो स्टूडेंट्स मुझे समझ में आ गया। लास्ट जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, दैट वुड बी एरोमेटिक कंपाउंड, बट मैं जो एरोमेटिक पार्ट है वो अभी कवर नहीं करूंगा, सो वी विल जस्ट लीव दिस। एरोमेटिक खाली लिख के यू कैन लीव इट। फोर्थ सेक्शन वुड बी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, यू जस्ट राइट दिस एरोमेटिक। इट इज गोइंग टू इंक्लूड बेंजीन लाइक रिंग स्टूडेंट्स, बेंजीन जैसे जो कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पे आएंगे एरोमेटिक वाले पार्ट में, ठीक है? ओके okay, आगे बढ़ जाओ फटाफट से, शुड आई मूव अहेड, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। ये सारा हमने टेंथ में पढ़ाई कर रखी है तो ये सारी बातें अपन अभी नहीं करेंगे, आगे चले जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल एल्केन्स, एक्सक्लूसिवली एल्केन्स की बातें करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? एल्केन्स की बातें करेंगे अपन। एल्केन में व्हाट डू आई हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, दो तीन बातें मुझे समझनी जरूरी है, जो अगेन मैंने टेंथ स्टैंडर्ड में किया, ये फटाफट से हो जाएगा, कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? आपको फटाफट से आप समझ जाओगे, बट रिविजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आई राइट नंबर ऑफ कार्बन्स, यहाँ पे आई राइट नेम ऑफ एल्केन, एंड लास्ट में आई राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? चलो सो आई बिगिन। ओवर हियर आई राइट नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन कैपिटल सी लिख दिया, मतलब समझ जाना नंबर ऑफ कार्बन्स की बात बात करने वाला हूं मैं। सेकेंड ब्लैंक में आई एम गोइंग टू राइट नेम ऑफ एल्केन, ठीक है? तो एल्केन का नाम यहाँ पे लिखूंगा मैं, एंड लास्ट कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स? क्या लिखूंगा मैं लास्ट ब्लैंक में? आई एम गोइंग टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके? लेट अस स्टार्ट। सो अल्केन विच हैज ओनली वन कार्बन कंटेनिंग अल्केन का नाम क्या होता है? वन कार्बन कंटेनिंग अल्केन का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्विकली क्विकली क्विकली, यू कैन टेल मी योर आंसर्स ऑन द ऑडियो नाउ। Methane. Well done. Methane is right answer. Methane. है ना? तो नाम मैंने दे दिया मीथेन, करेक्ट है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेंगे चेक कर लेते हैं। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मुझे पता है कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होने वाले, तो पहले मैं सी एच लिख दूंगा। देखो इस तरह से आपको जाना है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेंगे ना। अभी अपन ने पढ़ा ना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अभी अभी अपन ने देखा, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन हाई सिर्फ होंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सो कार्बन कितना? कार्बन है वन। कार्बन कितना स्टूडेंट्स? कार्बन है वन। यहां से पता चला ना मुझे कार्बन है वन, है ना? देखो यहां से पता चला हमको कार्बन इज वन। सो हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन स्टूडेंट्स कितना होता है? कार्बन नंबर को डबल करो प्लस टू करो, जितना भी कार्बन उसको डबल कर दो प्लस टू। आंसर इज फोर। वेल डन शाबाश, आंसर इज फोर, आंसर इज फोर। सो अपन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जनरली वी डू नॉट मेंशन वन, सो वी जस्ट राइट सी एच फोर, सो इट इज सी एच फोर। सिंपल है, जल्दी बताओ इज दिस पार्ट क्लियर स्टूडेंट्स? आप मेरे साथ साथ टेबल बनाए जा रहे हो, मेरे साथ साथ टेबल बनाते जा रहे हो आप सब, शाबाश। सी एच फोर, नेक्स्ट लेट अस क्विकली मूव अहेड स्टूडेंट्स, आगे चले जाते हैं फटाफट से। सो इफ कार्बन नंबर इज टू, नेम ऑफ एल्केन विल बी name of ethane, ठीक है? ethane, देखो जब भी आप methane बोलते हो तो एक बात समझ लो, जब आप बोलते हो me तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? सिर्फ आपके बारे में ना, है ना? when you say me that means you're just speaking about yourself, so that means you're considering only one person, that is you, therefore one is methane, two will be ethane, ठीक है? me Ethane and two will be ethane. Molecular formula पे आता है, बहुत सिंपल है। CNH लिख देता हूं मैं। कार्बन कितना है मुझे पता है, कार्बन है टू।
सो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल प्लस टू डबल प्लस टू डबल प्लस टू डबल प्लस टू डबल प्लस टू, फटाफट से सिक्स आंसर है। टू का डबल क्या होता है? फोर, करेक्ट है ध्रुवी? टू का डबल इज फोर, फोर प्लस टू इज सिक्स, करेक्ट? टू का डबल फोर, फोर प्लस टू इज सिक्स, वेल डन ध्रुवी, शाबाश। चलो डन स्टूडेंट, सी टू एच सिक्स इज द आंसर, सी टू एच सिक्स इज द आंसर, क्लियर है यहां तक? शाबाश। चलो स्टूडेंट्स लेट अस मूव अहेड, ये पूरा मैं अब हटा दूंगा। अब मैं आपको एक एक करके कार्बन नंबर लिखते जाऊंगा, नाम लिखते जाऊंगा, आप मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के बताते रहोगे। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिख दो, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। सो फोर कार्बन्स नेम वुड बी ब्यूटेन, फाइव कार्बन्स नेम वुड बी पेंटेन, सॉरी अपन ने प्रोपेन तो लिखा है, आपने थर्ड कार्बन का नहीं लिखा। यस यस यस, आई एम सो सॉरी। सो थ्री कार्बन जैसे ही आएगा तो हम लिख देंगे, थ्री कार्बन के लिए अपन लिख देंगे प्रोपेन, फोर कार्बन के लिए अपन लिख देंगे ब्यूटेन, फाइव कार्बन के लिए स्टूडेंट्स अपन लिख देंगे पेंटेन, ठीक है? पेंटेन आ जाएगा, पेंटेन। चलो नाउ लेट्स गोइंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फटाफट से, ठीक है? प्रोपेन के लिए स्टूडेंट्स, प्रोपेन के लिए C3H8, वेल डन C3H8, शाबाश। ब्यूटेन के लिए C4H10, क्या बात है, क्या बात है, C4H10, शाबाश, बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा एक्टिव हो, सबके सब मजा आ रहा है। पेंटेन C5H12, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक, अदरवाइज बाकी लोग बोल के निकल जाएंगे आंसर, ठीक है? आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए मेरे पास, अदरवाइज बाकी लोग आंसर बोल के निकल जाएंगे। सो बी एक्टिव, आपका एक उंगली ऑडियो पे ही रहना चाहिए, अनम्यूट, टेल मी द आंसर, म्यूट इमीडिएटली, ठीक है? सो मैंने क्या क्या कर लिया, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ठीक है? फटाफट बोलो एक बार, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ऑडियो म्यूट करके, ऑडियो म्यूट करके, ऑडियो म्यूट करके, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ओके उल्टा ही बोलना है, पेंटेन ब्यूटेन प्रोपेन इथेन मीथेन, शाबाश। चलो लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं। नाउ आई विल गो टू हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। So six carbons, that means I'll call it as hexane. Hexagon पता है ना, वहां से आपको याद रखना, hexane, ठीक है? Seven carbons I'll say heptane. Eight carbons I'll call it as octane, ठीक है? Octane. Seven के लिए heptane, sorry hexane. Six के लिए hexane, then heptane, then octane. Six, seven, eight. Hexane, heptane, octane. Let us start with six carbons exactly. C6H14. Well done Divya, Hardi, well done. Next heptane ke liye students, C7H16. Adinath, well done, kafi pehle bol dala usne, काफी पहले बोल दिया, C7H16, well done students. I'm going to octane next, C8H18, very quick, C8H18, शाबाश, well done, ठीक है? 818, ऐसे भी आप ऐसे randomly numbers याद करने की कोशिश करो, because अगर मैं आपको randomly पूछ लूँ, you should be able to answer me. If I ask you octane, तो आप 818, ये वाला figure याद रखना, 818. 716, समझ रहे हैं? डबल प्लस टू डबल प्लस टू डबल प्लस टू, अगर मैं आपको ऑर्डर में पूछा आप काफी आसान है बोलना, खाली आगे नंबर टू टू से बढ़ाते जाओगे, बट अगर मैंने रैंडम किया तो आप वहां पे अटक जाओगे, ठीक है? सो 818 ये वाला एक फिगर याद रखो, ताकि आप फटाक से ऑक्टेन तक आ जाओ, 818 वाला, एंड C3H8 वाला, ये आपको एक आसानी से याद रहेगा। वाई? सिंपल टेक्निक है, देखो थ्री में ऐसे लिखता हूँ, C3 का थ्री ऐसे लिखते हैं अपन, इसको एट कैसे बनाओ स्टूडेंट्स, ये देखो बन गया एट, so C3H8 याद रहेगा, C3H8, whenever I ask you propane, eight answer निकलना ही चाहिए last में, अपने मन में eight आ जाना चाहिए, C3H8, octane 818, है ना, C8H18, ठीक है? जितना आप करोगे ज्यादा उतना आप बेटर होते जाओगे। next students, nine, nine को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेपकिन, well done Hardi, well done, answer is no name, nine को हिंदी में बोलते हैं नौ, no name, so no name, ऐसे याद रखेंगे तो nine को नौ, no name, no name का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए फटाफट, C9H20, well done, C9H20, ten carbons,
डेकेन ये हमको अच्छे से पता है ना डेकेन दस साल मतलब डेकेन एच ट्वेंटी टू सी टेन एच ट्वेंटी आंसर आ गया है सी टेन एच ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स सो वी डन विथ मार्कलो फॉर्मूला आपको 1 से 10 तक तो कंफर्म आना चाहिए सी 1 से सी 10 तक यू शुड बी वेरी मतलब यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन दिस यू शुड बी वेरी वेरी रैपिड इन दिस आप एकदम क्विकली आपके आंसर आना चाहिए ओके ठीक है स्टार्ट करें सो मैं आपको कार्बन नंबर बोलूंगा आप मुझे एल्केन का नाम बताओगे मैं कार्बन नंबर बोलूंगा आप एल्केन का नाम बताओगे ठीक है स्टार्ट करें जितना हो सके उतना जल्दी आपको ऑडियो पे बोल देना है एंड मेक श्योर आप ऑडियो पे आंसर देने के बाद इमीडिएटली म्यूट हो जाओ अदरवाइज काफी लोगों का जवाब आएगा आवाजें आएंगी एकदम मच्छी मार्केट बन जाए वो हमको नहीं करना है ना चलो स्टार्ट थ्री हरदिशा वॉज द फर्स्ट वन टू रिप्लाई करेक्टली करेक्टली हरदिशा का फर्स्ट रिप्लाई आया था नेक्स्ट सेवन रेहान काजी फॉलोड बाय विशाल नेक्स्ट फाइव पेंटिन क्या बात है वेल डन वेल डन वेल डन फोर ब्यूटेन टू इथेन इथेन सिक्स हेक्सेन हेक्सेन नाइन नोनेन नोनेन वेरी गुड प्रोपेन प्रोपेन थ्री क्या बात है बाप रे कितने बच्चे हैं यहाँ पे कितने बच्चे हैं I have 32 students are there most of yeah 31 या 32 if I'm not wrong अगर non teaching staff कोई है यहाँ पे फिलहाल तो एक वहाँ पे अपन गिनती काट देते हैं तो 31 में से I must say this हरदिशा is proving सब पे भारी पड़ रही है अकेली आवाज काफी तेजी से आंसर आ रहे हैं okay next heptane seven four seven butane मीथेन और फिर रिटर्न में एक आंसर आया वन ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं वेल डन फॉर्मूला अपना रेडी हो गया कार्बन नंबर अपने रेडी हो गए लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीखूंगा बहुत ही फास्ट जा रहे हैं अपन ठीक है वेल डन बैच Entire batch is very very active, तो अपन काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आप अपने बुक में लिख सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है आई मस्ट टेल यू इतना एक्टिव बैच अब तक नहीं बना है दिस इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11th बैच इस ईयर का 11th बैच ओवरऑल कैश ऑफ साइंस अकेडमी के सारे ब्रांचेस अगर मिला लिए जाए तो 11th या 12th बैच है ये दिस इज वेरी वेरी क्विक चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब कैसे बनाऊंगा आराम से एक बार पहले आप सुनोगे फिर आप मेरे साथ जवाब दोगे आई गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज ठीक है डोंट वरी एट ऑल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सो 10th स्टैंडर्ड में पहले चले जाऊंगा एंड 10th स्टैंडर्ड में जाके मैं वहां पे याद करूंगा आई ट्राई टू रिमेंबर आई ट्राई टू रिकलेक्ट दैट आई हैड हर्ड अ टर्म व्हिच वाज मेंशनड एज टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंसी कुछ भी नहीं लिखना है मधुरा पेन आराम से रख दे एंजॉय कर ठीक है एंजॉय दिस सेशन पूरे मजे ले मैं तुझे प्रॉपर टाइम दूंगा लिखने का ठीक है मधुरा ओके अगर मैंने टाइम नहीं दिया यू कैन स्टॉप मी स्विच ऑन योर ऑडियो एंड आस्क मी सर प्लीज स्टॉप आई वांट टू राइट मुझे लिखना बाकी है मेरा तू मुझे रोक सकती है बिंदास कोई टेंशन मत ले बट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब लिखना नहीं तो पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए ओके एक टर्म अपन ने सुना था जिसको अपन ऐसे लिखते थे टेट्रावेलेंट बोल लो या टेट्रावेलेंसी बोल दो है ना तो व्हाट डू आई मीन बाय टेट्रा बाय द वे टेट्रा का मतलब होता है फोर टेट्रा का मतलब क्या होता है फोर मोनो मीन्स वन डाई ट्राई टेट्रा समझ रहा है मोनो डाई ट्राई टेट्रा केमिस्ट्री लेक्चर बैठने के बाद बच्चे लोग घर पे भी ऐसे बात करते हैं मुझे ट्राई रोटी दे दो आज समझा अभी घर पे ऐसे बोलने का आज रात को जितनी भी आपको रोटियां चाहिए दो रोटी चाहिए तो आप बोलोगे मुझे डाई रोटी चाहिए ओके आई वांट टेट्रा रोटी आई वांट मोनो ग्लास ऑफ वाटर दैट इज केमिकल लैंग्वेज विच यू आर स्पीकिंग एंड दैट इज यूर एंटरिंग योर आयु पैक ग्रेजुअली ठीक है
ओके टेट्रावेलेंसी मतलब क्या, बॉन्डिंग, कितने बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन, कितने बॉन्ड्स हर कार्बन बनाएगा, हर कार्बन के पास चार बॉन्ड तो होना ही चाहिए। जैसे दिव्या शर्मा के पास सिर्फ दो हाथ, मधुरा के पास भी दो हाथ है, जेडन के पास भी दो हाथ है, शेख कैफ के पास भी दो हाथ, सबके पास दो हाथ है, मेरे पास भी दो हाथ है, सो हमारे पास कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, दो बॉन्ड्स बन सकते हैं। कार्बन के पास चार हाथ होते हैं, सो कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, चार बॉन्ड्स। अगर चार से कम बना तो कार्बन दैट मॉलिक्यूल वुड बी अनस्टेबल। अगर चार से कम बॉन्ड है तो वो अनस्टेबल है, डेफिनेटली अनस्टेबल है। किसी न किसी को आना ही पड़ेगा फोर्थ बॉन्ड पे कंप्लीट करने के लिए। बात क्लियर, समझ में आया? हिंदी कैमरा सर, एवरीवन हिंदी कैमरा, इफ यू अंडरस्टूड बाय बोथ योर हैंड, बोथ हैंड्स। हां, कुछ सर बॉन्ड्स इनकम्प्लीट होके भी कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना, एलिमेंट्स बनाते हैं ना। हाँ, नहीं, इनकम्प्लीट के एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे, इनकम्प्लीट रहेगा तो कोई और फंक्शनल ग्रुप को अंदर एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक है सर, कोई इथेन भी अनस्टेबल है? इथेन वही है कार्बन, इथेन तो दो ही है उसमें। हाँ, ओके, कार्बन का बात नहीं कर रहा हूँ, हर कार्बन के चार बॉन्ड्स होने चाहिए। थोड़ी देर में क्लैरिटी मिलेगी, और आदित्य वेट, तो थोड़ी देर में क्लैरिटी मिलेगी, इथेन पे अपन डिस्कस करें, तेरे डाउट पे वापस से आऊंगा। ओके, टेट्रावेलेंट मतलब क्या, हर कार्बन पे चार बॉन्ड होना चाहिए। लेट मी कम टू द एग्जांपल नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल पे आ जाऊं। ठीक है, आपको ये लिखना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टाइटल दे दो, नीचे लिख दो टेट्रावेलेंसी फोर बॉन्ड्स। सो एवरी कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम, एवरी कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम, दैट मींस एवरी कार्बन शुड हैव फोर बॉन्ड्स, एवरी कार्बन शुड हैव फोर बॉन्ड्स। हाउ मेनी बॉन्ड्स? फोर बॉन्ड्स। हाउ मेनी बॉन्ड्स? फोर बॉन्ड्स। वेल डन ओम, क्या बात है, तिवारी लिखे भी जा रहा है और लेफ्ट हैंड से दिखाया भी जा रहा है, फोर बॉन्ड्स, शाबाश, वेल डन। सर आपने वो सेंटेंस क्या बोला, स्टेटमेंट नोट करने के लिए? मैं स्टेटमेंट वापस बोलता हूं, स्टेटमेंट, हां मैं वापस बोलता हूं, एवरी कार्बन एटम शुड हैव फोर बॉन्ड्स, एवरी कार्बन एटम शुड हैव फोर बॉन्ड्स। क्लियर है ध्रुव? ओके, आगे चले जाऊं, जल्दी से स्क्रीन पे ध्यान दो, पेन नीचे रखो, स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सो मैं बात करता हूँ मीथेन का, मीथेन से स्टार्ट करेंगे। सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है? स्मॉलेस्ट अल्केन कौन सा है? मीथेन। अगर आपको किसी ने पूछा मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, तो आप फटाफट से क्या बोल दोगे? CH4। क्या बात है, वेल डन, सो CH3 तो रॉन्ग हो जाता है ना, सो CH4 मेरा आंसर आ जाएगा, वेल डन स्टूडेंट्स, CH4 इज द आंसर। आई विल ड्रॉ वन कार्बन ओवर हियर, दिस इज माय कार्बन, ओके, ये मैंने कार्बन ड्रॉ कर दिया, एंड कार्बन के मैंने कितने बॉन्ड्स बना लिए, ध्यान दो प्लीज, चार बॉन्ड्स बना के मैं रेडी हो गया हूँ। दिस इज वॉट आई मेंट व्हेन आई सेड कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट विल हैव फोर बॉन्ड्स, एवरी बॉन्ड विल बी फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। हर बॉन्ड में जो भी इनकम्प्लीट बॉन्ड्स हैं उनको मैं हाइड्रोजन से फुलफिल कर दूंगा, तो 1, 2, ओके स्टूडेंट्स, 1, 2, देन 3, 4, कैपिटल एच आपको हर जगह लिखना है। ठीक है, राइट कैपिटल एच, ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो बन गया आपके स्क्रीन पे, इसको मैं क्या बुलाता हूँ पता है, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बुलाता हूँ इसको मैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, बना लो फटाफट से, चलो जल्दी बना लो अपनी बुक में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना है आपको बाजू में, देखो पहले नाम देना है बाजू में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ यू वॉन्ट यू कैन लेबल दैट ऑल्सो, पहले लिखो मीथेन, नीचे वाली लाइन में लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड लिखो CH4, देन लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नीचे ये स्ट्रक्चर बना दो, अंडरस्टूड? So molecular formula is CH4, structural formula is C, draw all four bonds, चारों bonds draw करो, छोड़ो मत, चारों bonds draw करो, and then लिख दो H, चार H आपको डालना, चार H डालना, ठीक है? Next नाम आपके book में आना चाहिए ethane, next नाम आपके book में आना चाहिए ethane, ठीक है आदित्य, ready? Ethane students, ethane के नीचे आप लिखोगे molecular formula, ethane word के नीचे लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताओ क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्रुवी जल्दी बता दे, C2H6, well done, C2H6 students, quickly write down the molecular formula, C2H6, लिख लिया आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
मॉल्टो फॉर्मूला के हिसाब से मैं अब मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, प्लीज फोकस, पेन नीचे रख दो और यहाँ ध्यान दो, ठीक है। पेन नीचे रख देना, यहाँ ध्यान देना, क्या मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं हमेशा कार्बन बनाता हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे, टू लिखा है यहाँ पे, करेक्ट है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, टू। सो आई ड्रॉ इमीडिएटली, वन टू, किसकी बात हो रही है, अल्केन की, अल्कीन की कि अल्काइन, अल्केन, अल्केन, वेल डन, इफ इट इज अल्केन, हाउ मेनी बॉन्ड शुड बी देयर, सिंगल बॉन्ड, हां सिंगल बॉन्ड, क्या बात है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या बात है, वेल डन, हैज टू बी सिंगल बॉन्ड स्टूडेंट्स, यू ऑल एग्री विद मी, has to be single bond between them, because alkene की बात कर रहे हैं ना, double bond डाल दोगे तो मैं तो बोल दूंगा ये तो alkene बन गया, तीन bond डालोगे तो मैं बोलूंगा ये तो alkyne बन गया, so alkene, alkyne, ये एक बार बोल के देखो तो आपको उसका फील आएगा, alkene, alkyne, alkene, alkyne, you should be very very sensitive to these suffixes, alkene, alkene, अल्काइन, ठीक है, ओके, अल्केन आ गया, मैं अल्केन पे आ गया मैं स्टूडेंट्स, अल्केन पे आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एवरी कार्बन शुड हैव, कार्बन तो मैंने बना लिया, अब मेरी नजर कहां जाएगी, एवरी कार्बन शुड हैव फोर बॉन्ड्स, राइट, लेट अस सी, सो रेड वाले कार्बन पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं मुझे, वेल डन ध्रुवी, शाबाश, सिंगल 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 वन, वेरी गुड, है ना, इमीडिएटली उसकी ध्रुवी की उंगली इमीडिएटली आ गई कैमरा के सामने इस तरह से, वन, वेल डन, शाबाश, एक बॉन्ड तो मुझे दिखाई दे रहा है, बचे कितने बॉन्ड आप बताओ, तीन बॉन्ड बचे, शाबाश, है ना, चार, हर कार्बन के पास चार बॉन्ड होना चाहिए, एक बॉन्ड तो हो गया, तीन बॉन्ड बचा है, करेक्ट है मधुरा, तीन बॉन्ड बचा है अपने, सो तीनों बॉन्ड बना लो, चलो फटाफट से सेम कलर यूज कर रहा हूँ, कलर कोड फॉलो करो आप भी, हो सके तो मेरे लेक्चर्स में तीन चार अलग अलग कलर के पेन लेकर बैठा करो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो, वायलेट, पर्पल, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, व्हाइट, पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हैं। ये देखो चेक करो, मैंने तीन बॉन्ड्स बना दिए स्टूडेंट्स, नए वाले तीन बॉन्ड्स बना दिए, अब कैन आई से रेड कार्बन हैज फोर बॉन्ड्स, ओके, लेट मी गो टू ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, वन, शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, एक बॉन्ड ऑलरेडी मुझे नजर आ रहा है ना, याद रहे कि ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स, जहां पे मैंने अपना लेजर रखा है अभी रेड कलर का, चेक करो जहां पे लेजर रखा है मैंने, ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स, दिस बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों कार्बन को कॉमन है ये, जैसे आपके सोसाइटी का नाम होता है ना, एक्स वाई जेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, ऐसे नाम रहता है ना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मतलब क्या कोऑपरेटिव, मतलब क्या, साथ में मिलके हम सोसाइटी को बर्बाद करेंगे, ओके, साथ में मिलके, मतलब एक चेयरमैन बनता है, फिर बी विंग का एक पर्सन ट्रेजरर बनता है, सी विंग का एक पर्सन सेक्रेटरी बन जाता है ना, ऐसे अलग अलग लोग साथ में मिलकर ऑपरेट करेंगे, पूरा फंक्शन है। सो वैसे यहाँ पे है कोवेलेंट, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट, साथ में मिलके एक दूसरे की एक वैलेंसी अपन सेटिस्फाई करेंगे, समझ में आया, एक वैलेंसी हम साथ में मिलके एक दूसरे की सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज कोवेलेंट। सो दिस बॉन्ड ओवर हियर स्टूडेंट्स, दिस बॉन्ड ओवर हियर आई कैन राइट, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, यू विल बी कवर दिस इन योर केम वन चैप्टर, केम वन के चैप्टर में आप ये कवर कर लोगे विद द हेल्प ऑफ विनीता शिर्के मैम, विनीता मैम आपके साथ ही कवर करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स आप कवर करोगे, ठीक है। मैं फिलहाल आपके लिए सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड आज डिस्कस करके आगे बढ़ जाऊंगा, ओके। सो ब्लू वाले कार्बन का ऑलरेडी एक बॉन्ड कंप्लीट है, सो और कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे मुझे, चार बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे, चार बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे, तीन, तीन ही पक्का, नो सर, थ्री, थ्री बॉन्ड, शाबाश, वेल डन, जैसे तीन बॉन्ड बना लो आप, हाईलाइट कर लो, सो कोवेलेंट बॉन्ड लिख दो, कोवेलेंट बॉन्ड लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आप लिख लो, मेंशन कर लो अपने बुक में।